कौशाम्बीचाल तहसील के पहाड़पुर सुधवर गांव में शनिवार सुबह कलश यात्रा निकाली गई। इस बीच गांव की महिलाएं युवतियां समेत बुजुर्ग भी मौजूद रहे। कलश यात्रा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव का भ्रमण करते हुए दक्षिण थो गांव स्थित मसूरिया माई मंदिर तक गई, उसके बाद पुनः सुधवर गांव में आकर समाप्त हो गई। पहाड़पुर सुधवर गांव निवासी रामायण दत्त त्रिपाठी की अगुवाई में शनिवार सुबह कलश यात्रा का आयोजन के लिए क्षेत्र के लोग जुटे। कलश यात्रा से पहले आचार्य स्वामी ब्रजेशानंद महाराज ने मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। इस बीच मौजूद महिलाएं और युवतियों ने सिर पर कलश रखकर यात्रा आरंभ की गई। इलाके के युवाओं के साथ बुजुर्गों की भी उपस्थिति रही। डीजे के साथ भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए लोग भक्तिभाव से कलश यात्रा लेकर गए। महिलाओं और युवतियों के सिर पर रखी सुसज्जित कलश और भक्तिभाव में लीन भक्तों को देखकर राह चलते लोगों में भी आस्था जाग उठी और लोगों ने यात्रा में शामिल होकर भक्ति का आनंद लिया। यात्रा सुधवर गांव से कमालपुर आदि गांव से होते हुए पंडाल पर समाप्त की गई। आचार्य ने बताया कि श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब धरा पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कलयुग में श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। आयोजन में अजय त्रिपाठी, कांति त्रिपाठी, महेश्वर त्रिपाठी, सुनीला त्रिपाठी, वीरेंद्र त्रिपाठी, सविता त्रिपाठी, सिंटू त्रिपाठी, मनु पांडे, अनुज पांडे, भारतलाल प्रधान, गोलू, कृषु, प्रांशु, केसरवानी समेत ग्रामीण व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।